कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएए के समर्थन को लेकर जागरूकता फैलाने वाली संस्था लोक जागरण मंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि लोक जागरण मंच के द्वारा जो पंपलेट लोगों में बांटा जा रहा है, उसमें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, उससे एक संप्रदाय के ऊपर आरोप लगाए गए हैं और पंपलेट में नाबालिग बच्चियों की फोटो लगाई गई है, जिससे लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। राघवेंद्र ने कहा कि इस प्रकार के कार्यों से शहर में लगी धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। राघवेंद्र चौबे ने कहा कि जिस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था, उसी प्रकार इन लोगों ने भी धारा 144 का उल्लंघन किया है और इन पर भी कार्रवाई की जाए। राघवेंद्र चौबे ने वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में एसिड अटैक से डराने की घटना पर कहा कि घटना को एक महीने से ऊपर हो गया है, जिसमें बिना माता पिता की बेटी जो अपने दम पर आईटीआई की पढ़ाई कर रही है और क्षेत्र के बिगड़े लड़कों की वजह से परेशान होकर विद्यालय जाना छोड़ चुकी है, उसके बाद भी बेखौफ लड़के खुलेआम उसे धमकी दे रहे हैं। आज हम कांग्रेसजनों का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला है। बनारस में एक लोक जागरण मंच काशी प्रांत द्वारा एक पर्चा एनआरसी और सीए के संबंध में समर्थन में बांटे जा रहे हैं आम राहगीरों को, उसमें कुछ ऐसी भाषाओं का उल्लेख है और इन नाबालिग बच्चियों की फ़ोटो लगा करके एक लोगों की भावनाओं को भड़काने का जो प्रयास किया जा रहा है, 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। एक तरफ इसके विरोध में शांतिपूर्ण निकल रहे लोगों को 15 दिन जेल में रखा जाता है, तो इस समर्थन में भी अगर कोई 144 तोड़ता है तो उतना ही दोषी होता है जितना विरोध करने वाला व्यक्ति। हम उसी संदर्भ में आज जिलाधिकारी महोदय से मांग किए हैं कि इस तरह का कृत्य करने वाले लोगों के ऊपर रोक लगाएं और खास करके इस पर्चे को बंटवाना तुरंत बनारस में बंद करें। उन्होंने कहा है, मेरे सामने एक मामला और था, इसमें एक बालिका जो शिवपुर की एक महीने से पीड़ित है, वो लगातार पुलिस के पास जा रही है, उसके ऊपर एसिड फेंकने की धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे सामने ही जिलाधिकारी महोदय ने सीओ यशो शिवपुर को फ़ोन लगाया और उनसे कार्रवाई और गिरफ्तारी कर दी।